सो नमस्ते आदाब गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। आज 15 तारीख है 15 सितंबर सवेरे के इस वक्त 7 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ अपने होम टाउन भिलाई छत्तीसगढ़ से और मैं जा रहा हूँ स्पिटी वैली एक्सप्लोर करने। तो मेरा नाम अनुपम है और आप लोग इस वक्त मेरा चैनल गड्डीबाज का पहला व्लॉग देख रहे हैं। सो स्पिटी वैली का जो डिस्टेंस मेरे घर से है वो लगभग इज अराउंड 2000 किलोमीटर्स। जो पहला मेरा प्रॉपर डेस्टिनेशन होगा जहाँ मैं रुक के प्रॉपर साइट सीइंग करूँगा वो रहेगा चितकुल। सो चितकुल किन्नौर वैली में आता है विच इज़ जस्ट बिफोर स्पिटी वैली। इस पूरे ट्रिप में जो कि करीब 2 हफ्ते का रहेगा, साथ देने के लिए मेरे साथ हैं मेरी मम्मी। और आज पहला दिन है, आज मैं भिलाई से सवेरे 5 बजे निकल गया था तो मुझे अंदाज़ है कि तकरीबन 7 बजे तक मैं सागर पहुँच जाऊँगा जो मेरा आज का टारगेट है। इस वक्त मैं चला रहा हूँ नेशनल हाईवे 6 पे। नेशनल हाईवे 6 जो मुंबई मॉल कलकत्ता मेन रूट है, ये रोड सीधी नागपुर चली जाती है। मैं डाइवर्जन लूँगा गोंदिया की तरफ बिकॉज मेरे को नॉर्थ इंडिया की तरफ जाना है। सो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाली जो रोड है, कश्मीर और कन्याकुमारी वाली जो रोड है, इसको मुझे पकड़ना है जो मैं गोंदिया बालाघाट होते हुए सीधा दिल्ली की तरफ निकल जाऊँगा। अभी मैं रुका हूँ सिमनी पास में। मैं रुका एक्चुअली मैं ये देख के था कि बहुत घने पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं और पेड़ लगे हुए हैं यूकलिप्टस के, तो यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यूकलिप्टस की खुशबू भी आ रही है। एक अलग ही खुशबू होती है यूकलिप्टस के पेड़ों की। और यहाँ पे लगभग 500 मीटर का स्ट्रेच है जहाँ दोनों तरफ ये पेड़ लगे हुए हैं। अरे पुरानी रोड्स पे गाड़ी चलाने का सबसे बड़ा यही फ़ायदा होता है कि दोनों तरफ आपको काफ़ी घने पेड़ मिलते हैं। अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप रुक के आराम से ब्रेक ले सकते हो। अभी सागर पहुंचने में करीब 150 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है और इंद्र देवता हम पे मेहरबान हो गए हैं। बारिश चालू हो गई है और काफ़ी तेज़ चालू हो गई है। अब नाश्ता हम लोग घर से लेके आए थे, खाने का 1:30 बजे मैंने सोचा कि मैं खा लेता हूँ। सामने एक ढाबा भी दिखा पर मेरे को लगा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं, कोई आगे कोई और अच्छे ढाबे पर रुकूँगा। और उसके बाद से मेरे को कोई ठीक ठाक ढाबा दिखा ही नहीं और टाइम हो गया है 4। वेज ढाबा है, रोड के अपोजिट साइड है और मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं यू टर्न मार के जाऊँगा जरूर क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि इस रोड पे और आगे मेरे को कोई वेज ढाबा मिलेगा। पूरे 10 किलोमीटर का एक चक्कर मेरे को मारना पड़ा एक वेज ढाबे के लिए। ओह गॉड, तो फाइनली ये वेज ढाबा मेरे को मिला है, होटल साइप्रस रेस्टोरेंट। देखते हैं यहाँ चल के खाना कैसा है यहाँ का। क्या है सब्जी में? सब्जी में चना मसाला, मटर मसाला, दाल फ्राई, सेव टमाटर, सेव भाजी, शाही पनीर, छोला पनीर, पनीर मसाला, काजू करी, काजू पनीर। मेनू लाओ, मेनू दिखा दो। ठीक है, चना मसाला, चार तवा रोटी। बहुत ज़्यादा तेल मत करो, कम तेल। हाँ कम तेल, घी मत लगाना, रोटी प्लेन साथ और थोड़ा प्याज लगा देना साथ। यहाँ से अपना लंच करके हम लोग निकल रहे हैं, हालांकि लंच टाइम है नहीं, 5:30 बज रहे हैं, बट एक ढाबा खोजने में मुझे काफ़ी देर हो गई। सो सागर यहाँ से करीब 110-120 किलोमीटर दूर है, तो
होटल मैं सोच रहा हूँ कि सागर में ही बुक करा लूँ। मैंने अपने सागर में अपने होटल में चेक इन कर लिया है। गोवा आईबीबो पे मैंने होटल सर्च किए थे और मुझे होटल दीपाली पहले से एक अच्छी डील लग रहा था। ट्विन बेडरूम एसी, बहुत प्रीमियर फील है इस होटल की। और वॉशरूम सो कॉम्प्लीमेंट में एप्पल और बनाना, वाह। मम्मी कैसा रूम? बहुत बढ़िया है, मतलब प्राइस के हिसाब से तो कितना सारा है इसमें। 1270 रुपए में जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। दिस रूम इज एन एब्सोल्यूट स्टील। ऑनलाइन बुकिंग साइट्स पे कई बार देख के समझ में नहीं आता कि होटल कैसे हैं। कई बार उसकी जो फोटोज रहते हैं उसमें रूम्स काफ़ी अच्छे दिए रहते हैं लेकिन एक्चुअली में इतने अच्छे होते नहीं हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि होटल इतना अच्छा होगा। मेरे को बस 10-12 घंटे बस सोना ही था रूम में आके, तो मैंने रैंडमली जो मेरे को ठीक होटल लगा वो मैंने बुक कर लिया और एक तरीके से ये एक जैकपॉट लग गया मेरा। मेरा आज का दिन रात को 10:30 बजे ख़त्म हो रहा है। कल का भी शेड्यूल कुछ ऐसा ही है कि कल भी कुछ 600-700 किलोमीटर अगर मैं कवर कर लूँ तो प्रोग्रेस मेरी अच्छी रहेगी। आज जैसा प्लान किया था वैसा निकला है। होपफुली कल भी जैसा मैं प्लान करूँगा वैसा ही निकलेगा। सो गुड नाइट, अब मैं कल सुबह आप सबसे मिलूँगा। आज मैं निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया। हुआ ये कि एक्चुअली मैंने अलार्म लगाया था 4 बजे का, लेकिन मैं और हमारी मम्मी हम दोनों अलार्म सुने और सुनने के बाद दोबारा सो गए और फिर सीधा 5 बजे उठे, तो 1 घंटा हम लोग लेट हो गए। 5 बजे निकलने का प्लान था, 5:50 हो रहा है और सागर में हो रही है बारिश। तो आज इरादा कुछ ऐसा है कि कोशिश करेंगे कि करनाल पहुँच जाएँ। ये जो 1 घंटे का डिले हुआ है होपफुली इससे पूरे प्लान में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और शाम को वही 7:30 बजे तक हम लोग करनाल पहुंच जाएंगे। सो अभी 6:30 बज रहे हैं, मेरे को निकले हुए तकरीबन 1/2 घंटा हो गया है। न्यूज़ में ऐसा सुना था कि MP में बहुत बारिश हो रही है, आज देख भी लिया। सागर से जब से निकले हैं बारिश कंटिन्यू हो रही है और अभी तक रुकी नहीं है। काफ़ी तेज़ हो रही थी बीच में, अभी तो थोड़ी सी धीरे हो गई है। सो इस वजह से थोड़ा धीरे चला रहा हूँ गाड़ी। चला रहा हूँ, वो बारिश हो रही इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है। तो भी थोड़ा सा अरे 70 में इस वक्त मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। बारिश की वजह से मैं गाड़ी से उतर के थोड़ा बहुत चल फिर नहीं पा रहा था। झांसी के पास में, झांसी और सागर के बीच में एक टोल प्लाज़ा आता है, उसके पास पहुंचा हूं तो मैंने थोड़ी देर गाड़ी रोक के रेस्ट लिया है। ये जो नेशनल हाईवे है ये एक्चुअली में श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे है, लेकिन अभी बारिश की वजह से इसकी हालत एक जू की तरह हो गई है। बिकॉज़ अगर आप पूरे नेशनल हाईवे पर देखें तो आपको इतने जानवर मिलेंगे, खासकर कि गाय बैल पूरे भरे हुए हैं नेशनल हाईवे में। गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है और ट्रकर्स के लिए तो गाड़ी चलाना और ज़्यादा मुश्किल होगा।
पहुंच गया हूँ डबरा, श्रीनगर कन्याकुमारी रोड में से झांसी ग्वालियर ऐसा रोड है जो कि अभी तक जिसमें फोर लेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, और डबरा में जो फोर लेनिंग हो रही है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरे शहर में जाम लगा हुआ है, लगभग आधे घंटे से मैं यहाँ पे जूझ रहा हूँ। धीरे 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 गाड़ी आगे बढ़ रही है और ऊपर से यहाँ की लोकल पब्लिक इधर उधर यहाँ से मर्जी वहाँ से गाड़ियाँ डाल डाल के और ट्रैफिक को जाम कर रही हैं। अभी मैं पार कर रहा हूँ मुरैना सिटी। मुरैना सिटी भी इसका भी कोई बाईपास नहीं है, सिटी के अंदर से जा रहे हैं। सिटी के बीचों बीच से जो एक रोड जाती है उसमें एक फ्लाईओवर बन रहा है, बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक ट्रैफिक की हालत यहाँ पे ऐसी ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और लेट हो जाऊँगा लग रहा है। आज लगता है जो मैंने टारगेट सेट करके रखा है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मैंने सोचा तो करनाल का था लेकिन मुझे अभी करनाल मुश्किल लग रहा है। तक पीछे तक तो अच्छी बारिश वारिश हो रही थी तो मजा आ रहा था, यहाँ तो गर्मी भी बहुत है और गंदगी धूल सब कुछ देखने के लिए। एकदम कोने में क्यों बैठ रहे हो? कौन सी मिलती है, रोटी मिलती है, तंदूरी रोटी मिलती है? नहीं है कोई। चना मसाला और चार चपाती लगो। नहीं नहीं प्लेन प्लेन। सेल्फ सर्विस नहीं कुछ नहीं। चलिए, मैं पहले सोच रहा था कि आगरा के अंदर एक बीकानेर वाला रेस्टोरेंट है, हर बार मैं वहाँ जाता हूँ। पिछले दो तीन बार जब भी आगरा गया हूँ मैं वहाँ जाता हूँ, बट फिर एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट मुझे आगरा से जस्ट पहले मिल गया तो मैंने सोचा कि यहीं खा के आगे बढ़ा जाए। क्या है गुड़? मच्छर इतने घुस जाते हैं। तो मैं अभी पहुंच गया हूं यमुना एक्सप्रेसवे पे। आगरा पहुंचते पहुंचते मुझे लगभग 4 बज गए थे, आगरा क्रॉस करने में आधा पौन घंटा लग गया और अब फाइनली मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे आ गया हूं। यहां पे ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं। मज़ा आएगा यमुना एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाने में, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खुला खुला हरा भरा। कहाँ तक जाएंगे आगे? तक दिल्ली, दिल्ली ग्रेटर नोएडा में रुक जाएंगे। अच्छा, ये बोर्ड पे क्या लिखा था? मतलब ये जो राइट साइड वाली लेन है ना, अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है तो आप इस पे जाके ओवरटेक कर सकते हो और फिर उसी पे चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, ओवरटेक करो और वापस अपनी लेन में आ जाओ। अच्छा, मैंने तो लोगों को उस पे ही फास्ट जाते देखा हमेशा।
लेकिन ऐसा नहीं, लोग चलते रहते हैं लेकिन वो एक्चुअली में सिर्फ उसका काम सिर्फ ओवरटेकिंग का है। ये यहाँ पे स्पीड लिमिट कितनी है? 100। ये तो बहुत ज्यादा है, इतनी मत चला। इतनी तो है नेशनल हाईवे पे, इतनी ही होती है। 70-80 चला, अच्छा आराम से पहुंच जाते हैं। ज्यादा चला के क्या फायदा, सेफ धीरे चलते हैं और सेफ पहुंचते हैं तो ज्यादा जरूरी है ना। उतने पे ही चल रही है। नोएडा तक सिंगल कितना है? 415। 415? मैं दे रहा हूँ 15 रुपये चाहिए।